हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। गाइज, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, न्यू सीट्स जो है वो ऐड कर दी गई है राउंड टू की सीट मैट्रिक्स में, जो राउंड वन की सीट मैट्रिक्स में ऐड नहीं की गई थी। तो गाइज, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कितनी सीट्स है जो कि इनक्रीज हुई है राउंड टू की सीट मैट्रिक्स में, और अब राउंड टू की सीट मैट्रिक्स में जो टोटल सीट्स है वो कितनी है। क्योंकि जब आप राउंड टू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कॉलेज प्रेफरेंस आपको फिल करनी पड़ेगी। तो गाइज, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको कौन कौन से कॉलेज जो है वो प्रीफर करने हैं, आप कौन सी चॉइसेस फिल कर सकते हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। राउंड टू की जो कट ऑफ है अप्रॉक्सीमेट कितनी जाने वाली है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो गाइज, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल रहे। अब देखिए, तो गाइस सबसे पहले मैंने ये जो पीडीएफ फाइल है ये ओपन की है, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी है इंक्लूड न्यू सीट्स इन राउंड टू, जो कि राउंड टू के अंदर टोटल सीट्स और जो न्यू सीट्स आई है वो भी इंक्रीज़ करने के बाद जो एमबीबीएस की सीट है वो कितनी हो गई है, किस स्टेट में कितनी सीट्स है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए, तो अंडमान निकोबार के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उन सभी के अंदर कितनी सीटें इंक्रीज हुई है सभी कैटेगरीज को मिलाकर, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ अंडमान निकोबार, यहाँ स्टेट दिया है कि किस स्टेट में है, यहाँ इंस्टीट्यूट दिया है और यहाँ ब्रांच दी है। तो गाइज, मैंने यहाँ पर ओनली एमबीबीएस ही लिया है फिलहाल, ठीक है। यहाँ कैटेगरी दी गई है कि स्टूडेंट की कैटेगरी क्या है और कितने नंबर ऑफ सीट जो है वो राउंड टू में वैकेंट रह रही है, मतलब उनके ऊपर काउंसलिंग जो है कंडक्ट करवाई जाएगी। तो बीसी कैटेगरी की गाइज 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, ओपन की 9 है, एससी की 2 है और एसटी की गाइज 1 सीट है। तो टोटल मिलाकर ये हो गए आपके 17 सीट्स हो गई अंडमान निकोबार की। अब गाइज, हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो कॉलेज है ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेल्लोर, अपोजिट टू AC सुब्बा रेड्डी स्टेडियम, ठीक है। तो ये जो कॉलेज है गाइज, इसके अंदर BC कैटेगरी की 5 सीटें हैं, EWS की 3 सीटें हैं, ओपन में 10 सीटें हैं, SC की 3 सीटें हैं और गाइज BC की आंध्र प्रदेश में इस कॉलेज की यहाँ तक इतनी ही सीटें हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश का जो नेक्स्ट कॉलेज है एम्स, ठीक है, एम्स जो है जो कि गुंटूर के अंदर है, बीसी की 14 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 सीटें हैं, ओपन में 8 सीट है, ओपन फिजिकली हैंडीकैप में 1 सीट है, एससी में 1 है, बीसी में 6 सीटें हैं गैस, ठीक है। बीसी फिजिकली हैंडीकैप, आपको कॉलेज देखना है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीट वैकेंट है। अगर आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि टोटल 172 पेजेज है, तो एक एक करके मैं आपको नहीं बताऊँगी, आपको खुद से देखना है कि किस कॉलेज के अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो है वैकेंट है, कितनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, मैं टोटल सीटों की बात कर लेती हूँ एक बार कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो कितनी सीटें वैकेंट है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर सब टोटल किया गया है, जो कि राउंड टू की काउंसलिंग होने वाली है वो 8692 सीटों पर होने वाली है, 8692 सभी कैटेगरीज़ की एमबीबीएस की सीटें मिलाकर है। तो अब राउंड टू की जो कट ऑफ है गाइस, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जितने न्यू कॉलेजेस थे वो सब कॉलेजेस ऐड कर दिए गए हैं और 8692 काफ़ी सीट रिमेनिंग रही है राउंड टू की काउंसलिंग के लिए। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। फिर भी अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो गाइस, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।